ये रामनगर में गरिया माता का मंदिर का गेट है और उसके सामने टाइगर ऐसे निकला है, देखिए आदमी बाल बाल बचा है यहाँ पर। एक मकान जो कुमाऊनी शैली में बना हुआ है। सलून का मकान है और ये देखिए गांव दलाड़ विंडसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बना हुआ बहुत ही सुंदर गांव। और ये गांव का जो है खूबसूरत दृश्य है जाता है। अगर आप बर्ड बिग बॉस हवा हे गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज मैं हूँ अपने गांव के ऊपर वाली पहाड़ी पे। मैं गांव गया था कुछ दिनों से और देखिए अभी मैं पहुँच चुका हूँ विंडसर सेंचुरी के अंदर। ये पूरा यहाँ पर जंगल है और यह है विंडसर रोड है। तो गाइज इस रोड पे लोकल ट्रांसपोर्ट तो नहीं चलता है, ऐसे बाइक और टूरिस्ट गाड़ियाँ चलती हैं। तो आज धूप खिली हुई है, काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो विंडसर रोड की हालत तो बहुत ही ख़राब है, बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं यहाँ पर। बहुत समय से इसका निर्माण नहीं हो रहा है जिससे आने वाले टूरिस्टों के लिए बड़ी परेशानी है। जो लोकल भी जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़े बड़े गड्ढे रास्ते में मिल रहे हैं, देखिए इतने बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं। तो रास्ते में ऐसे ऐसे बाघ के उड्यार भी हैं जिनके अंदर बाघ रहता है, देखिए गाइज ये है। और शाम को 4 बजे के बाद यहाँ बाघ घूमने दिख लग जाता है इस रास्ते में। अभी भी आसपास कहीं धूप सेक रहा होगा। रास्ते में गाइज हमें बहुत सारा बकौल मिला हुआ है, ये पहाड़ी फूल है इसको बकौल बोला जाता है। तो यहाँ पर अभी काफ़ी ज़्यादा हो रखा है और ये चीड़ का पेड़ है देखिए, और ये है बांज का पेड़। तो गाइज यहाँ मेरा गांव है और यहाँ से चल के ऊपर पहाड़ी पे आ चुका हूँ। तो गाइज अभी मैं जा रहा हूँ विंडसर, 2 किलोमीटर मैंने ट्रैकिंग कर दी है गांव से। और देखिए काफ़ी घना जंगल है, अक्सर इस एरिया में लेपर्ड रहता है, जंगली सुअर रहते हैं। अभी कोई भी नहीं है, अकेले ही जाना पड़ रहा है। यहाँ पर गाड़ियाँ भी बहुत कम चलती है। जो भी है ट्रैकिंग करने में बड़ा मज़ा आ रहा है, धूप भी बहुत अच्छी खिली हुई है यहाँ पर। तो रास्ता बहुत पतला पतला भी है, सकरा रास्ता है और इस रास्ते में मुझे जाना हो रहा है। और देखिए यहाँ पर तेंदुए के पंजू के निशान है और यहाँ पर उनका बैठने का जगह है। तो अक्सर इस एरिया में तेंदुआ आता है, यहाँ पर भी खरोंच रखा है, देखिए पूरा उनका घर बना हुआ है यहाँ पर, ये तेंदुए का रहने का जगह है ये। और जगह जगह पे उसने स्क्रैच किए हुए हैं और यहाँ पे ताज़े निशान है जहाँ पर वो लेटा होगा, धूप सेक रहा होगा। ये देखिए यहाँ भी तेंदुए के स्क्रैचिंग के मार्क्स हैं और ये सारे बहुत ताज़े हैं। दिन के वक्त तेंदुए कहीं ऐसी जहाँ धूप आती है वहाँ पर ये धूप सेक रहे होते हैं। तो गाइज यहाँ आसपास बहुत ही घना जंगल है। गाइस ये है विंडसर रोड की हालत जो कि बहुत ही ख़राब हो चुकी है, आने जाने गाड़ियों को बहुत नुकसान हो रहा है। तो कोई इसको ठीक करने वाला नहीं है, पेटी पेटी की रोड है, फॉरेस्ट के अंदर है। तो बहुत सारा इस पर गड्ढा बना हुआ है जिससे गाड़ियों के टायर में काट लग रहा है और उनकी जो टैंकी होती है उस पर जब लग रही है तो लीकेज हो जा रही है। तो काफ़ी ज़्यादा ये रोड ख़राब हो चुकी है। तो ये यहीं पर नहीं, पूरा ये 10 किलोमीटर का जो रोड है उसकी हालत ऐसी हो चुकी है। देखिए पर्यटक रोड है, वीआईपी रोड है, तो गड्ढे गड्ढे बने हुए हैं इसमें जिसे सुधार की अति आवश्यक है, जल्दी जल्दी सुधार की ज़रूरत है। लेकिन वही दिक्कत है, कोई कर नहीं रहा है जिससे आने जाने वाले
लोगों को ज़्यादा दिक्कत हो रही है, टूरिस्ट को दिक्कत हो रही है, उनकी गाड़ियों को नुकसान हो रहा है। तो गाइस यहाँ से हिमालय के दर्शन भी होने लगे, नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल, गढ़वाल की सभी पीकें यहाँ से नज़र आती है, और यहाँ पर बागेश्वर में स्थित मेचुला मैया के दर्शन भी हो रहे हैं। यहाँ से देव बिंसर सेंचुरी के अंदर जो गांव हैं वो गांव अभी आप देख सकते हैं, रिशाल गांव है। यहाँ पर 10-12 फैमिली रहते हैं, खेती पर डिपेंड है पूरी लोगों की लाइफ। फिर यहाँ सुनौली और बसौली वाला एरिया है, और इस साइड में रानीखेत, कौसानी, गणनाथ, ताकुला, बागेश्वर का एरिया आता है। तो गाइज यह है रोड की हालत, बिंसर रोड की हालत, पत्थर निकाल के रखे हैं लेकिन रोड ठीक नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। और सामने आ चुकी है धूप, इस एरिया में है पूरी छाया, यहाँ पर पूरी छाया आ रखी है, तो यहाँ पर काम नहीं हो रखा है। ये पूरा यहाँ पर ना जो रोड है वो इन्होंने बनाई नहीं है, ये देख सकते हैं आप, ये पूरी रोड की हालत। तो गाइज अभी मैं पहुँच चुका हूँ सिम्बा कैफे, तो ये बिनसर में रुकने की और यहाँ पर कैफे संबंधी व्यवस्थाएँ मिलती हैं, और यहाँ से बर्ड वॉचिंग भी कर सकते हैं, और यहाँ ऊपर भी होटल है, यहाँ पर भी रुकने की व्यवस्था है। एक गाइस फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ बिनसर महादेव, और ये देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे बिनसर महादेव का मंदिर है, और इधर माता रानी भगवती जगदम्बा का मंदिर है, और यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर, भैरवनाथ जी का मंदिर, और क्षेत्रफल रक्षक सभी यहाँ पर मंदिर हैं। और सामने आप देख सकते हैं बाबा की कुटिया है, काफ़ी खूबसूरत जगह है और बहुत ही ठंडा लग रहा है यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर दर्शन कर लिए हैं। ये बिनसर महादेव का मंदिर है, बिनसर महादेव, इनका नाम बिनेश्वर है, बिनेश्वर से अभ्रंश होकर बिनसर नाम हुआ है, तो इसको अभी बिनसर महादेव भी बोला जाता है। और ऐसी एक प्राचीन प्रचलित मंदिर है रानीखेत बिनसर में, वो भी बिनसर महादेव के नाम से जाना जाता है। ये भी बिनसर महादेव, इस बिनसर सेंचुरी के नाम से जाना जाता है, वैसे इसका नाम बिनेश्वर मंदिर के नाम से है, तो अभी लोग इसको बिनसर बोलते हैं। और सामने ये पर देख सकते हैं यहाँ पर से गेट है मंदिर में प्रवेश करने के लिए, और यहाँ पर एक बाबा जी भी हुआ करते हैं जो पूजा पाठ में लीन रहते हैं। और देखिए काफ़ी खूबसूरत ये जगह है, आसपास का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पर सिम्बा रिजॉर्ट है और सा स्टेट है, और ये देख सकते हैं ये फील्ड, यहाँ पर क्रिकेट भी खेलते हैं, और एक छोटी सी यहाँ पर स्ट्रीम धारा भी बहती है, और यहाँ पर से मंदिर का रास्ता आता है, और यहाँ पर ये गेट है, और यहाँ पर शिव जी का मंदिर है जो काफ़ी पावन पवित्र, काफ़ी मनोकामना पूर्ण करने वाला, लोगों की रक्षा करने वाला ये मंदिर है, और ये 8वीं-9वीं शताब्दी से यहाँ पर विद्यमान है, राजा और मुनि लोगों ने इसका यहाँ पर निर्माण किया था। यहाँ पर पवित्र जल है, इसी जल को लेके शिवालय में शिव मंदिर में चढ़ाया जाता है, तो 1904 में इसका जीर्णोद्धार किया था, ये उससे भी पहले का नौला है। पानी बहुत पवित्र होता है यहाँ पर, और यहाँ से घना जंगल ऊपर सतखोल कोरजोन एरिया स्टार्ट होता है। तो ट्रैकिंग जो है बहुत घने जंगलों के अंदर है, तो 4 फीट का ये रास्ता है, तो पूरा यहाँ बांस बुराज का जंगल है। तो गाइज फाइनली पहुंच गए हैं बिनसर, और यहाँ पर अभी हम लोग खेल रहे हैं क्रिकेट, यह है पहाड़ी क्रिकेट, देखो